मोबाइल के स्क्रीन पर या कंप्यूटर के स्क्रीन पर या लैपटॉप के स्क्रीन पर ये पेज देख करके जो पूरे तरीके से लाल रंग से भरा हुआ है, इसे देखकर घबराइए नहीं। आप इसमें देख सकते हैं इस ठीक लाल रंग के पीछे येलो रंग भी है, पीला रंग भी है। मैं इसे हरे रंग से आपको दिखा देता हूँ, आप इसे देख सकते हैं। ये सूचक है कि आपको तैयार रहना है। किस चीज़ के लिए तैयार रहना है, ये वीडियो इसी के बारे में है। जी हाँ, आप लोगों की मन्नत पूरी हो गई है जो UET और PET के स्टूडेंट्स जो कि इस बार 12th और ग्रेजुएशन पास किए हुए हैं, उन्होंने जो है कि BHU के लिए फॉर्म भरा था। UET और PET के एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, इसके लिए BHU ऑफिशियल ने जो है कि डेट अनाउंस कर दिया है। ये वीडियो पूरी तरीके से इसी को समर्पित है। जो ये नोटिफिकेशन आज ही जो है कि कुछ देर पहले ही आई है, मैं सोचा कि मैं इसे तुरंत बना करके आपके सामने ले आऊं, ताकि आप क्या हो सके, ये हो सके। जी हाँ, आप तैयार हो सके अपने एग्ज़ाम को देने के लिए। एक बहुत ही अच्छा जो है कि मौका है BHU में एडमिशन लेने का। आइए पहले, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि क्या नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में पहले बात करते हैं, फिर कुछ और चीज़ें मैं बात करूँगा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के तरफ से ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस UET सेक्शन, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से ये नोटिफिकेशन निकल करके आई है, इंग्लिश में है। ठीक है, मैं इसे पढ़ देता हूँ ताकि आप इसे समझ सकें। और क्योंकि ऐसे बहुत से हमारे दोस्त हैं जो कहते हैं कि सर आप इंग्लिश में चीज़ों को जो कि डिस्क्राइब नहीं करते, बताते नहीं, तो चलिए मैं पढ़ देता हूँ, उसको बता देता हूँ। कह रहा है कि द रिवाइज यूनिवर्सिटी इन एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल फॉर एडमिशन टू वेरियस अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मेरे मित्रों इस चीज़ को, आप UG हैं या PG हैं, इन दोनों कोर्सेज के लिए अब जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने जो है क्या कर दिया है, टेस्ट शेड्यूल को अनाउंस कर दिया है, बता दिया है कि अब एग्ज़ाम होके रहेगा। तो अब कैसे एग्ज़ाम होना है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि द एंट्रेंस टेस्ट फॉर ऑल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स LLB, BEd, BEd स्पेशल एजुकेशन, BPed, BFA इज शेड्यूल्ड ऑन द फर्स्ट फेज ड्यूरिंग August 24 to 31, 2020। मैं आपको बता दूं कि है क्या कहानी। कहानी सिंपल सी है, आप ज़रा सा इन कोर्स को देखिए। अगर आप इसके फॉर्म्स फिल किए हैं LLB के या फिर BEd के या फिर BPed या फिर इन कोर्सेज को अगर आप भरे हैं, तो आपका फर्स्ट फेज़ में एग्ज़ाम होने वाला है। और ये फर्स्ट फेज़ है कब से कब तक, 24 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त 2020, इस चीज़ को ध्यान रखिए। ठीक है, तो आपको इसमें एग्ज़ाम आपका होगा। उसके बाद क्या है, द एंट्रेंस टेस्ट फॉर रिमेनिंग अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स, मतलब अब ये UG की बात है। जैसे कि BA ऑनर्स, हमारे बहुत सारे मित्र जो है कि चैनल्स पे हैं और भी जगह, वो हमेशा पूछते रहते हैं कि BA का एग्ज़ाम कब होगा। तो लो भाई और बहनों, अब आ गया, अब दो एग्ज़ाम अब आपको देना है, तैयारी रखिए अच्छे से। BA ऑनर्स आर्ट्स, BA ऑनर्स सोशल साइंस, BCom, उसके बाद जो है कि BSc AG बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का एक चहेता कोर्स माना जाता है। और मैं 2020 की बात कर लूँ या 19 की बात कर लूँ या 18 की बात कर लूँ, सबसे ज़्यादा फॉर्म इस कोर्स में ही भरे गए हैं। BA LLB जो 5 साल का है, BSc ऑनर्स मैथ्स, BSc ऑनर्स बायो या शास्त्री ऑनर्स, इन सब के जो एग्ज़ाम्स हैं वो सेकेंड फेज़ में होंगे। सेकेंड फेज़ कब से कब है, आप इसे देख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है मैं ग्रीन कलर क्यों यूज़ कर रहा हूँ। सेप्टेम्बर 9, 10, 11, 14 को यूज़ जो है कि होगा। और इसका जो पोर्टल पे है, जो BHU का पोर्टल है, उस पर जो है कि एंट्रेंस टेस्ट के लिए जो इन्फॉर्मेशन है और जो चीज़ें हैं वो 17-8-2020 तक अपलोड कर दी जाएगी। जैसे एडमिट कार्ड है और जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सब के सब अपलोड कर दिए जाएंगे। एक चीज़ आपको करनी है, लेटेस्ट एंट्रेंस टेस्ट शेड्यूल के बारे में आप जो है www, आप किसी की मत सुनो, आप जो है इस पर जाओ, bhuonline.in, इस पर जाओ और यहाँ पर जा करके आप खुद से चेक करिए कि क्या चीज़ें हैं। मैं भी वहाँ गया हूँ, चेक किया हूँ, चेक करने के बाद ये आपके सामने
जो है कि मैं बता रहा हूँ। सो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आप करिएगा क्या, मैंने आपको ये बता दिया कि फर्स्ट फेज़ में किसका एग्ज़ाम है, सेकंड फेज़ में किसका एग्ज़ाम है, कुछ और बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप वहाँ जाइए और जाने के बाद आपको एक चीज़ ज़रूर डाउनलोड करनी है, यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट बुलेटिन। ये आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ से ब्रोशर होगा वो डाउनलोड कीजिएगा, इंस्ट्रक्शंस निकल करके आएंगे वो आपको डाउनलोड करना है, एडमिट कार्ड में जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो पढ़ना है। मैं आपको बता दूं कि इस बार का जो इंस्ट्रक्शन होगा वो 2019-2018 से थोड़ा अलग होगा, बिकॉज़ हम कोविड के साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपको अब समझ में आ रहा होगा कि मैंने वहाँ पर रेड कलर क्यों यूज़ किया था। येलो कलर मैंने इसलिए यूज़ किया था ताकि अब आप तैयार रहें कि आपको अपने सपनों के लिए एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। उसके बाद हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने हमसे कहा था कि क्या एग्ज़ाम छोड़ देना चाहिए, ट्वेल्थ के हैं कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ट्वेल्थ पास आउट हैं, उन्होंने भी मुझसे मैसेज करके बात पूछी थी क्या छोड़ देना चाहिए। मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, डोंट क्विट, आप इस एग्ज़ाम को मत छोड़िए, ये एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अब क्यों अपॉर्चुनिटी है भी मैं बता दूँ, कोविड के वजह से ऐसे बहुत से लोग हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, तो हो सकता है कि मेरिट अप डाउन हो, डाउन होने के चांसेस अधिक हैं। सो आप जो है ऐसा मत करिए कि आप एग्ज़ाम को छोड़ दीजिए, ऐसा आपको करना नहीं। एग्ज़ाम के लिए आपने जो है कि अप्लाई किया है, आप एग्ज़ाम दीजिए, हाँ पूरे सुरक्षित हो करके सुरक्षा से अपने एग्ज़ाम को दीजिएगा, जिससे कि आप कोई दिक्कत ना हो। जैसे अभी देखिए कल 9 अप्रैल को एग्ज़ाम होने वाले बीएड का, और भी एग्ज़ाम होने वाले, तो एग्ज़ाम सब टलेंगे नहीं, एग्ज़ाम्स होंगे सब होंगे। सो आपको अपनी सुरक्षा खुद से रखनी है, और कोशिश ये करिए स्टूडेंट्स जितने भी हैं, जिन्होंने एस्पिरेंट्स जितने जिन्होंने लोगों भी अप्लाई किया है, आप प्लीज़ एग्ज़ाम दीजिए किसी भी तरीके से। अगर आप लगता है कि नहीं आप अनफिट हैं, आप नहीं दे सकते हैं, तब तो कोई बात ही नहीं, लेकिन अगर आप देने के चांसेस है, प्रोबेबिलिटी है, देन यू शुड हैव टू गिव द एग्जाम। सो युवा मंत्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और जितने भी मेंबर्स हैं इसके तरफ से, आप सभी को मैं बेस्ट ऑफ लक बोल रहा हूँ फॉर दिस एग्ज़ाम। आप अच्छे से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन होगा मैं आप तक ज़रूर रखूँगा। सो तैयारी करिए और इस एग्ज़ाम को दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।